हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रजनी रियांस ऑटिज्म लाइफ में। तो गाइस, आप सभी को नए साल के बहुत 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 शुभकामनाएं। विश यू हैप्पी न्यू ईयर गाइस। आप सभी का दिन बहुत आपके पूरा साल बहुत अच्छा जाए। मेरा और सभी से मेरी दिल से दो मतलब मैं दिल से विशेष करती हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबको सबका ये नया जो भी नया साल आया है ये सबके लिए ढेरों खुशियाँ लेके आए हैं सबके दिल जिंदगी में। और ये नया साल बस सबके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा गाइस। तो बस ये नई शुभकामनाओं के साथ मैं आज का दिन ब्लॉग्स के को शुरू कर रही हूँ गाइस। तो अभी मैं सुबह का टाइम है और बस मैंने नहा धो के पूजा वगैरह कर लिया है और मैं बच्चों को तैयार करने जा रही हूँ। आज नए साल में दोनों बच्चों को जल्दी से मैं नहला दूँ, थोड़ा सा तैयार व्यार कर दूँ और फिर वही घर के काम डेली रूटीन। तो अभी तो मैं मंदिर नहीं जा पाई हूँ, मंदिर भी हम थोड़ी देर में जाएंगे। तो बस मैंने घर पर ही पूजा कर लिया है और बस अब मैं दोनों बच्चों को नहलाने जा रही हूँ गाइस। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको अपने दोनों बच्चों को। अंशु क्या कर रहे हैं? अंजू नन्नू नन्नू कर ली क्या दोनों ने? ये दोनों नन्नू नन्नू करके बैठे हैं। ओले ओले अले अंशु जी बिछड़ा रहा है क्या? ऐसी जी बिछड़ा रहा है अंशु। ओले ओले और लांचू क्या कर रहा है? लांचू क्या कर रहा है? लांचू भी जी बिछड़ा रहा है। नहीं 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 गनी बात नहीं करते। जीभ देखो कितनी छोटी से निकाल के जड़ा रहा है। रांचू इधर देखो, ये देखो, ये पूरा नए नए कपड़ों का क्या हाल कर रखा है इसने। ये देखो इसकी स्लीव पूरा फायदा उठा रहे हैं ये। रियांस रियांस इधर देखो बाबू। लियांशु ये क्या कर लिया तुमने हाथों का? हाँ गुड्डू ये हाथ का क्या कर लिया? एक कपड़े बड़े आ गए बाबू के। हाँ एक गड़ी बड़े कपड़े हैं। कोई बात नहीं अभी चेंज कर देगी मम्मा, ठीक है? हाँ गुड वेरी गुड। और अंशु कहाँ है? अंशु कहाँ है? ये अंशु है। अंशु भी तैयार हो गई। क्या पहन अंशु ने? ये अंशु ने ये क्या पहन लिया भाई? अंशु अंशु ये अंशु अंशु ये नहीं मैं पहनना, अंशु को नहीं पहनना ये। गुड्डू हट अंशु। तो आज मैं बना रही हूँ ना गाइस, घर पे मोमोज बना रही हूँ मैं। न्यू ईयर में सोचा कुछ स्पेशल बना लेते हैं और मेरे हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स वगैरह आ रहे थे तो बस मैंने थोड़ा से मोमोज और फ्राइड राइस बना लिए थे। तो बस मैं मोमोज का जो स्टफिंग है वो तैयार कर रही थी और मैंने थोड़ा सा पत्ता गोभी और शिमला मिर्च वगैरह का कद्दूकस करके रख लिया। मैं आटा मोमोज का आटा गूंद रही हूँ, उसमें थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल दिया मैंने मैदे में और इसको मैं अच्छे से गूंद लूँगी। और थोड़ा ये आटा ना बिल्कुल सॉफ्ट सा गूंदना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं गूंदना है। उसको आधे एक घंटे के लिए इस तरह से मैं थोड़ा सा ऑयल लगा के रख दे रही हूँ। इससे ना आटा बहुत सॉफ्ट होता है और मोमोज काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। तो बस मैंने और जब तक मैं ये थोड़ा सा सेट होगा आटा तब तक मैं इसकी स्टफिंग तैयार कर ले रही हूँ। स्टफिंग के लिए मैं थोड़ा सा ऑयल कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल के और जो भी इसका पत्ता गोभी और वगैरह जो मैंने स्टफिंग थी मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी ताकि जो इसका जो पानी है ना होता है ना एक्स्ट्रा वो ख़त्म हो जाए, सूख जाए। और मैं थोड़ा सा सोया सॉस इसमें डाल रही हूँ स्टफिंग में और थोड़ा सा विनेगर डाल दूँगी, थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ
थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी इसमें, और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, बट मेरे पास थी नहीं तो मैंने डाला नहीं। और थोड़ा सा अजीनोमोटो, इसको चाइनीज़ नमक भी बोलते हैं, बस थोड़ा सा चाइनीज़ नमक मैं अजीनोमोटो डाल दूँगी, और उसका जब तक कि पानी सूख ना जाए तब तक थोड़ा सा इसको फ्राई अच्छे से पका लूँगी। और बस इसको ठंडा होने के बाद इस तरह से छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल के, और ये आटे को एक बार फिर से सेट कर रही हूँ हाथों से, छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल के उसको इस तरह से, कोई भी आप शेप दे सकते हो, तो मुझे ये बहुत ईजी लगता है तो मैं इस तरह का शेप दे देती हूँ मोमोज़ के। और जो स्टीम वाला बर्तन था ना उसमें ही मैंने टमाटर भी रख दिए थे कि एक बार स्टीम, मतलब नीचे टमाटर रख दिए थे ऑयल होने के लिए, ऊपर से मोमोज़ रख दिए थे, तो इसे टाइम मतलब कि अलग से उबालने की जरूरत नहीं पड़ी थी मुझे। तो ये जब तक कि स्टीम होंगे और 5-7 मिनट में ही, 5 मिनट में ही देखिए वो बॉयल हो गए हैं टमाटर, और जब तक वो मोमोज़ स्टीम हो रहे हैं तब तक मैं इसकी चटनी पीस लूँगी मोमोज़ की। और इसके लिए मैंने थोड़ा सा लहसुन और लाल मिर्च पाउडर और टमाटर लेके इसको ग्राइंड कर लिया, और देखिए मोमोज़ तैयार हो गए। और सच में गाइस बहुत ही यम्मी बने थे, और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स को सच में बहुत पसंद आए थे ये। बस आज मैंने न्यू ईयर में बस ये मोमोज़ और फ्राइड राइस ही बनाए थे। और तो अभी मेरे शाम का समय, दोनों बच्चे मेरे सो गए हैं, अब ये थोड़ी देर तक मैं इनको सोने दूंगी। बस अभी जो किचन के मशीन का काम वगैरह फैला है ना, बस अब मैं ये करूँगी जल्दी से। हे गाइस, तो अभी शाम का टाइम है और मेरे दोनों बच्चे सो गए हैं, मैंने भी थोड़े से किचन के काम थे जो कंप्लीट कर लिए, ख़त्म कर लिए हैं, और बस मैंने सोचा थोड़ी आप लोगों से बात कर लूँ। और बस मेरा सुबह से आज, मैंने सुबह जल्दी उठ के सारे काम वगैरह फिनिश करके पूजा वगैरह कर ली, और बस आज के दिन की शुरुआत मैंने एक अच्छी सोच के साथ की है कि बस ये आने वाला साल हमारे लिए बहुत ही अच्छा साबित हो। मेरे हस्बैंड का काम शुरू हो जाए जल्दी से तो बहुत सी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी गाइस। तो बस आज मैंने दिल से यही दुआ करी थी कि भगवान बस जो भी परेशानियाँ जो पिछले साल आई हैं वो जल्द बस वो ख़त्म हो जाएँ, और ये नए साल की शुरुआत अच्छे से हो, और मेरे हस्बैंड का काम जल्दी से शुरू हो जाए। उनका काम शुरू हो गया तो गाइस बहुत सी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, एक टेंशन ख़त्म हो जाएगी, और मेरे दोनों बच्चे हमेशा सलामत रहें, खुश रहें, रियान जल्दी से रिकवर हो जाए। बहुत अच्छी सुबह से, बहुत मतलब एक अच्छी सोच के साथ मैंने आज के दिन की शुरुआत की है कि, और मेरे जितने भी घर परिवार, मेरे मायके में, मेरे ससुराल में सभी लोग हमेशा खुश रहें। आज बस मैं दिल से सभी के लिए बहुत दुआ मांग रही थी कि बस भगवान सबको खुशियाँ दे, कहीं ना कहीं जो हमारे साथ नहीं होते हैं तो वैसे उनकी याद आ ही जाती है। मैं रोना तो नहीं चाहती, पर आपके जो अपने होते ना तो बस कहीं ना कहीं दिल में वो रहता है कि पिछले साल हमारे साथ पापा थे और इस साल पापा नहीं है, कहीं ना कहीं कमी जो रहती है ना वो ज़िंदगी भर रहती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। सॉरी गाइस, मैं रोना नहीं चाहती थी और मैं नहीं रोऊंगी। बस मेरे पापा जहाँ पे भी हों भगवान उन्हें बहुत खुशियाँ दे, उन्होंने बहुत दुख झेले हैं, बस वो जहाँ पे भी हों उनको भगवान जितनी खुशियाँ दे कि इतनी खुशियाँ दे कि उन्होंने जितने दुख झेले उनको उतनी खुशियाँ मिले, बस वो हमेशा जहाँ जिस भी जहाँ पे भी हों हमेशा खुश रहे। तो बस एक अच्छी सोच के साथ नए साल की शुरुआत की है गाइस, कि बस मेरा बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए, रियान जल्दी से रिकवर हो जाए, और अंश हमेशा अच्छा रहे, मेरे माँ बाप, मेरी माँ, भाई, बहन सभी लोग खुश रहें, मेरे भाई ससुराल में सभी लोग हमेशा अच्छे से रहें, खुश रहें। बस यही दुआ है कि सब मिलजुल के रहें, सब प्यार से रहें, और बस यही है गाइस कि जो हम ज़िंदगी में जो भी हैं सारे रिश्ते हमेशा सही सलामत रहें, सभी भले थोड़ी सी दूरियां रहे पर जो रिश्ते में प्यार है ना वो हमेशा बना रहे। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सभी को विश यू हैप्पी न्यू ईयर गाइस। तो गाइस मैं आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।